फाइनली इस साल का कॉमिक कॉन हो गया है और दुनिया जहान को पता चल गया है कि RDJ MCU में वापस आ रहे हैं आयरन मैन के रोल के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के लिए। ये अब तक की MCU की ऐसी अनाउंसमेंट है जो कई सारी पॉसिबिलिटीज के साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सामने ला देती है, जैसे कैंग द कॉन्करर का क्या हुआ जो हमें मल्टीवर्सल सागा में एक मेन विलेन के रूप में दिखने वाला था। एंटमैन क्वांटमेनिया में हमने उसकी कॉन्सल देखी, ही हू रिमेन से हमने लोकी सीरीज में उसकी पूरी कहानी सुनी। TVA हमेशा कैंग से ही रिलेट हुआ है तो मार्वल आगे कैसे इस कैंग की विरासत को जस्टिफाई करेगा इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा RDJ डॉक्टर डूम के रोल में दिख रहे हैं जो अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में एक मेन विलेन के रूप में भी होंगे और जो हमारी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी थी अब उसका नाम अवेंजर डूम्सडे हो गया है और इसी डूम्सडे मूवी से हमारे RDJ के डॉक्टर डूम की दहशत शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे सामने कई सारे और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे अवेंजर्स मूवी 616 के यूनिवर्स पे होनी है तो डॉक्टर डूम यहाँ 616 पर कैसे पहुंचेगा? क्या वो पहले TVA को खत्म करेगा या लोकी को रिप्लेस कर देगा? वहीं अगर इस डॉक्टर डूम के ओरिजिन की कहानी को समझे तो इस डॉक्टर डूम की ओरिजिन एक व्हाट इफ कॉमिक बुक सीरीज पे है जहाँ हमें ये बताया गया था कि कोई एक ऐसी रियलिटी है जहाँ आयरन मैन डॉक्टर डूम बनता है और अभी MCU में पूरा एक मल्टीवर्स है। MCU चाहे तो वो किसी एक पॉसिबिलिटीज के साथ डॉक्टर डूम के एक नए ओरिजिन पे आ सकता है जहाँ MCU हमें बिल्कुल नए ढंग से डॉक्टर डूम का ओरिजिन देगा, लेकिन ये ओरिजिन सिर्फ RDJ वाले डॉक्टर डूम पर ही लगेगा। और अब तक हम जो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को देखते हुए आए हैं जो एक रियल विक्टर वॉन डूम है, तो वो भी अगर हमें देखने को मिल जाए तो हम पूरे ढंग से डॉक्टर डूम को देख सकते हैं। वहीं अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि MCU की शुरुआत RDJ से हुई थी, वहीं अब इस MCU का एंड RDJ से ही हो रहा है। कायदे में ये एंड नहीं होगा, ये एक तरह का सॉफ्ट रिबूट होगा। फिर भी और भी कई सारी चीजें होंगी और पुराने कई सारे रिकॉल्स भी, जैसे लोकी अब हीरो की साइड में होगा और सामने होंगे RDJ एज ए डॉक्टर डूम। यहाँ पर लोकी 2012 के अवेंजर्स का रिकॉल दे सकता है क्योंकि लोकी हमें फ्यूचर में अवेंजर प्राइम के कैरेक्टर में दिखने वाला है जहाँ इस लोकी के पास मल्टीवर्स के सबसे बेहतरीन अवेंजर्स होंगे और इनके सामने होगा RDJ वाला डॉक्टर डूम। और शायद हमें इस बार लोकी की तरफ से ये सुनने को मिल जाए, वी हैव ए हल्क। इसके अलावा मुझे इन दोनों एवेंजर्स मूवी को लेकर एक चीज और भी लगती है कि शायद हमें आगे RDJ एज ए डॉक्टर डूम वर्सेस RDJ एज ए आयरन मैन देखने को मिलेगा और हो सकता है कि ये मूवमेंट एक फाइनल बैटल का हो। जब से अवेंजर्स डूम्सडे अनाउंस किया है तब से खोपड़ी में कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। आगे इन सब के बारे में हम बात भी करेंगे, लेकिन कॉमिक कॉन में जो इस साल अनाउंसमेंट हुई है और कौन कौन सी मूवीज के साथ उनकी स्टोरीज को बताया गया है और क्या क्या मेंशन हुआ है, इन सब को कवर कर लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं MCU की कुछ नई मूवीज की और इनसे रिलेटेड कुछ नए अपडेटेड थ्योरीज और स्टोरीज की। तो कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया से कुछ नए ऑफिशियल अपडेट सामने आए हैं जिसके बारे में अभी तक हमें ये पता था कि जैसे जॉन कार्लोस पसीडो जो अब तक हमें W. वॉशिंगटन के कैरेक्टर में देखने को मिलने वाले थे, वो दरअसल अब सरफेस सोसाइटी के एक मेन लीडर होंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर वो अपनी अंडरग्राउंड सोसाइटी को लीड करेंगे। यहाँ पर MCU ने एक चीज बदल दी है कि जैसे हमें कॉमिक्स में सरफेस सोसाइटी देखने को मिली थी और जिनके नाम सांपों के नाम से होते थे जैसे कोबरा, वाइपर, पाइथन, तो कॉमिक्स में इन कैरेक्टर्स के पास एक तरह की सुपर पावर होती थी और ये पावर उनके कैरेक्टर को डिफाइन करती थी। लेकिन अब ये इस मूवी में ऐसा नहीं दिखने वाले। अब ये सारे कैरेक्टर अपने एक आर्मर के साथ दिखेंगे और ये आर्मर स्टार टेक से चुराए गए होंगे। साथ ही काफी रेटकॉन भी कर दिया जाएगा इन कैरेक्टर्स को। दूसरा, हमें ये भी क्लियर कर दिया कि ये जो सेलेस्टियल टियामूत है पूरे अंटार्कटिका में फैला हुआ है वो एडमेंटियम का बना है। तो भाई लोग, अब MCU 616 में एडमेंटियम आ चुका है। आई होप हमें 616 में जल्दी वुल्वरीन देखने को मिल जाए। और मुझे लगता है कि जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में केवल भाई साहब वाला वुल्वरीन देखा था, तो शायद ये वुल्वरीन MCU 616 का हो सकता है। और हमें इस टियामूत सेलेस्टियल को लेकर ये भी बताया गया कि ये जहाँ जिस जगह पर है उसको सेलेस्टियन आइसलैंड कहते हैं। इसके अलावा कॉमिक कॉन में कुछ एक्स्ट्रा फुटेज भी दिखाए गए जहाँ एक जगह रॉस प्रेस के सामने ही रेड हल्क में बदल गए। इसका मतलब पूरी दुनिया ने देखा होगा कि एक और हल्क है जो रेड है, ऊपर से वो प्रेसिडेंट है हमारा। इस चीज के सामने आ जाने के बाद हमें ये चीज भी देखने को मिल सकती है कि इसी दुनिया के कोने में ये चीज हल्क TV पे देख रहा हो और बाकी सुपर हीरोज जैसे स्पाइडरमैन और पीटर क्विल जो इस समय अब अर्थ पे ही हैं, वो भी इस चीज को विटनेस कर रहे हो। सोचो उनका रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल इस मूवी के बारे में ये भी बताया गया है कि जो हमारी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर थी वैसा ही टोन इस मूवी का रहने वाला है। लीडर जो हमने 16 साल पहले देखा था उसके बारे में भी काफी कुछ बताया गया है। इस मूवी में लीडर का एक ट्विस्टेड प्लॉट रहेगा और वो इतने सालों से कहां था और क्या प्लान कर रहा था इसके बारे में भी रिवील किया जाएगा। अभी कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया का ट्रेलर आना बाकी है जहां काफी कुछ चीजें और भी क्लियर
प्रीमियर होने वाली है। और ये ट्रेलर अभी जो D23 होने वाला है 9 अगस्त को, वहाँ हमें इस ट्रेलर के साथ बाकी मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन के भी कुछ सीरीज और एनिमेशन के ट्रेलर को भी लॉन्च किया जाएगा। तो 9 अगस्त को तैयार रहना, काफी कुछ मिलने वाला है वहाँ से। इसके बाद हमें थंडरबोल्ट्स मूवी के बारे में भी काफी कुछ बताया गया, जहाँ थंडरबोल्ट्स की कास्टिंग और उसके कैरेक्टर्स को रिवील करते हुए ये क्लियर कर दिया कि इस मूवी में हमें विंटर सोल्जर और सेंट्री भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेंट्री को बॉब के नाम से बुलाया जा रहा था, लेकिन हम सबको पता है कि सेंट्री को कॉमिक्स में उसके सबसे करीबी लोग बॉब के नाम से बुलाते थे। तो ये कॉमिक कॉन की तरफ से एक्स्ट्रा एक था, पर यहाँ पर एक चीज ऐसी है जिसको फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं, वो है सेंट्री के लिए जिस एक्टर को चुना गया है उससे फैन ना खुश है, क्योंकि हमने जितना भी सेंट्री को कॉमिक्स में देखा है वो बिल्कुल एक सुपरमैन जैसा दिखता है। उसकी बॉडी शॉडी है, बाल लंबे है और देखने में एक तरह का गॉड है। पर पता नहीं एमसीयू ने इस चीज को ये क्या सोच के लिया है। मुझे लगता था कि सेंट्री के रोल के लिए हेनरी कैवल ही परफेक्ट है, पर हमें कुछ यहाँ पर नया दिखाई दिया है। साथ ही इस मूवी की हाइप इतनी नहीं है जितनी बाकी एमसीयू की मूवीज की होती है, तो थोड़े संकट के बादल इस पर भी है। लेकिन अगर हमें एक बढ़िया स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए तो सच में एमसीयू के इस सुसाइड स्क्वाड को देखने में मजा आ जाएगा। इसके अलावा इस कॉमिक कॉन में हमें रेड गार्डियन भी नजर आया, और अब इसके पास एक नया सूट है जो पहले से भी बुरा लग रहा है। पहला सूट काफी अच्छा था, रेड और व्हाइट कलर में रखा गया था, लेकिन इस वाले सूट को रेड और गोल्डन कर दिया है। और ऐसे ही अब बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हमारे थंडरबोल्ट्स में नजर आएंगे उनके भी सूट को अपडेट किया गया है, जैसे घोस्ट, टास्कमास्टर और हमारी ब्लैक विडो। यहाँ कॉमिक कॉन में थंडरबोल्ट्स का एक छोटा सा टीजर भी दिखाया गया, और इस टीजर में हमें 10 साल पुराने सवाल का जवाब मिला। सवाल ये था कि अवेंजर्स टावर किसने खरीदा है, तो टीजर देखने के बाद अब ये साफ हो गया है कि ये अवेंजर टावर वेल ने खरीदा है, और वो वहीं से पूरे थंडरबोल्ट्स को लीड कर रही है। ये टीम अपने आप को एक तरह की अवेंजर्स टीम समझ रही है, साथ ही गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है, और जो हमारी कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया मूवी है वो सीधा इससे लिंक होने वाली है। तो आप समझ ही रहे हो कि अब रेड हल्क कहां जाने वाला है। इसके बाद फैंटास्टिक फोर से हमें कई सारे अपडेट मिले, चाहे इसके एक छोटे टीजर को दिखाया गया जो बनाया था सिर्फ कॉमिक कॉन के लिए। इस टीजर में टेस्ट फुटेज के साथ कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को जोड़कर दिखाया गया। हमें पता है कि ये हमारी एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी किसी दूसरे यूनिवर्स पे सेट है, तो इसका भी कंफर्मेशन दे दिया गया है। ये यूनिवर्स होगा रेट्रो फ्यूचरिस्टिक 1960s का एरा। बैक्स्टर बिल्डिंग को भी दिखाया जाएगा, यहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में कुछ बच्चों को टीच कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बच्चे कोई सुपर हीरोज हैं या सुपर हीरोज के बच्चे हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक फोर की एक फाउंडेशन होती है जिसको बैक्स्टर फाउंडेशन कहा जाता है, और यहीं पर सुपर हीरोज बच्चों की क्लासेस भी होती है। इसको एक तरह का चार्ल्स जेवियर का एक्सपेंशन भी समझ सकते हो। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर की एकदम नई कार को दिखाया गया, साथ ही इस यूनिवर्स के न्यूयॉर्क का एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी देखा, और आप यहाँ पर इस फैंटास्टिक फोर के फ्लाइंग कार को भी नोटिस कर सकते हो। और यहीं पर हमें गैलेक्टस को भी दिखा दिया गया जो किसी बिल्डिंग के खिड़की में झांक रहा था, और हमें ये भी कंफर्मेशन दिया गया कि इस मूवी में मेन विलन गैलेक्टस होने वाला है, और इस गैलेक्टस के साथ होगी शालाबी, एके फीमेल सिल्वर सर्फर। और इससे पहले जो हम डॉक्टर डूम की बातें कर रहे थे कि हमें फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे या नहीं, तो इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और क्या हमें आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को इसी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में दिखाया जाएगा, या इसी आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का ओरिजिन इसी यूनिवर्स पे सेट होगा, कुछ भी नहीं बताया है इस चीज के बारे में। लेकिन जिस ढंग से आरडीजे को हमें डॉक्टर डूम के ओल्ड क्लासिक कॉमिक्स के कॉस्ट्यूम में और सेम कॉस्ट्यूम कलर में दिखाया है, तो इसे देखकर अभी के लिए केवल यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आरडीजे वाले डॉक्टर डूम सिस्टीज पर ही होंगे। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर के टाइटल को कंप्लीट कर दिया गया है, अब फैंटास्टिक फोर के टाइटल के आगे फर्स्ट स्टेप्स लिख गया है, और अब ये यहाँ फर्स्ट स्टेप्स कई सारी चीजों का रेफरेंस देता है। पहला है फैंटास्टिक फोर का एमसीयू में पहली बार आना, दूसरा है 60s के टाइम पे ह्यूमन का मून पर जाना। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमें इस मूवी में नासा, अपोलो 11 और मून के कई सारे मिशन भी दिखाए जाएंगे, और इसी मिशन के दौरान फैंटास्टिक फोर फैमिली को अपनी सुपर पावर्स मिलेंगी। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप का मतलब यहाँ पर यह भी है कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में जहाँ सबसे पहले इनकर्जन होने की वजह से जो यूनिवर्स तबाह होगा वो यही फैंटास्टिक फोर का होगा, और यहीं से पहला कदम होगा इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, क्योंकि केविन फाइगे ने ये कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर हमें आगे अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर्स में दिखेंगे। इसी मूवी में हमें मिस्टर फैंटास्टिक और सुजन स्ट्रोम का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी दिखाया जाएगा, और इसकी सुपर पावर्स में से एक पावर ये भी है कि ये मैटर और एंटी मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, साथ ही कई सारे पॉकेट डायमेंशन को भी क्रिएट कर सकता है। और कुछ समय पहले इस मूवी से ये रूमर सामने आया था कि गैलेक्टस अर्थ पर मिस्टर फैंटास्टिक के इसी बेटे के लिए आएगा। फिलहाल कॉमिक कॉन में इसका एक छोटा सा टीजर दिखा दिया है, जल्दी मैं उस पर एक फुल ब्रेकडाउन लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना,
इसके बाद कॉमिकॉन के लास्ट 10 मिनट में होता है सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। यहाँ सीक्रेट्स वॉर के एकदम नए लोगों को रिवील किया जाता है। आप देख के समझ रहे होंगे कि ये लोगो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। जैसा ये लोगो है वैसा ही हमें सीक्रेट्स वॉर कॉमिक्स के टाइटल में देखने को मिला है। चाहे हम बात करें 1984 के जिम शूटर की सीक्रेट्स वॉर की या 2015 में आने वाली जोनाथन हिकमैन की, इन सब में टाइटल का कलर सेम है। इसका मतलब रूसो ब्रदर्स अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर मूवी को एक कॉमिक एक्यूरेट और उनके एडेप्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ इस मूवी में डॉक्टर डूम के अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका दिखना हम फैंस के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बियॉन्डर की, क्योंकि हमने कॉमिक्स में दो सीक्रेट्स वॉर देखी है जहाँ बियॉन्डर इंट्रोड्यूस हुआ था। साथ ही अवेंजर असेंबल के चौथे सीजन में भी बियॉन्डर को दिखाया गया और इस चीज को क्लियर किया कि सीक्रेट्स वॉर जैसा बड़ा इवेंट बियॉन्डर ने ही क्रिएट किया है और बियॉन्डर ही इन सब के पीछे है। और बियॉन्डर की हमेशा से ये खुराक रही है कि वो हीरो वर्सेस विलन्स देखना चाहता है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है या बुराई की। इसलिए वो एक बैटल वर्ल्ड बनाता है जहाँ एक तरफ वो सुपर हीरोज और दूसरी तरफ सुपर विलन्स को रख देता है। और अगर हम यहाँ पर केवल इस चीज को ही पॉइंट आउट करें तो अगर बियॉन्डर हमें आगे देखने को मिलता है और अगर उसकी ये चाहत रहती है कि एक तरफ सुपर हीरो हो और दूसरी तरफ सुपर विलन, तो वो चाहे डॉक्टर डूम को एक सुपर विलन और उसके सामने आयरन मैन को खड़ा कर सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर डूम और आयरन मैन के रोल को आरडीजे ही प्ले करें और इनके साथ खेलने वाला बियॉन्डर हो, सोचो सच में क्या माल बनने वाला है। फिलहाल रूसो ब्रदर्स अवेंजर्स डूम्स डे और अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले कई मार्वल मूवीज को डायरेक्ट किया है जैसे कैप्टन अमेरिका, अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर एंड गेम। यहाँ रूसो ब्रदर्स ने यह भी कहा कि सीक्रेट्स वॉर के मेन विलन को पहले अवेंजर 5 में दिखाया जाएगा और ये विलन आगे सीक्रेट्स वॉर में अपनी जर्नी को पूरा करेगा। इसलिए उन्होंने अवेंजर 5 का टाइटल बदलते हुए अवेंजर द कैंग डायनेस्टी से अवेंजर्स डूम्सडे कर दिया है। और ये सच में एक अच्छा मूव था, क्योंकि जोनाथन मेजर को रिप्लेस करके किसी और एक्टर को दिखाना ये फैंस झेल नहीं पाते। इसलिए मार्वल स्टूडियोस ने बड़ी चालाकी और स्मार्टली आरडीजे को अवेंजर्स डूम्सडे के साथ दिखा दिया है। और जब ये सब रिवील हुआ था तो फैंस सच में पागल हो गए थे। आई नो ये खुशी कैसी होती है मैं महसूस कर सकता हूँ। फिलहाल ये टाइटल ग्रीन और मेटल कलर का है जो डॉक्टर डूम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हमें ये भी क्लियर कर दिया कि जो फैंटास्टिक फोर हमें 25 जुलाई 2025 को देखने को मिलेगी, वहाँ से फैंटास्टिक फोर की आगे की कहानी बाकी दो अवेंजर्स मूवी में दिखाई जाएगी। अभी सारे मार्वल जगत के समस्त दूरसंचार बहुयामी जनजाति आरडीजे एज ए डॉक्टर डूम और अवेंजर्स डूम्सडे के अनाउंसमेंट से खुश हैं। सबको पता है कि एमसीयू को अब डॉक्टर डूम मिल गया है जिसको प्ले कर रहे हैं आरडीजे। इस क्लिप को मैं लाख करोड़ बार देख चुका हूँ, अलग ही खुशी मिलती है। एक बार मेरी तरफ से तुम भी देख लो। आई नो लेट है, लेकिन जितनी बार देखो उतनी बार मजा आता है। लेकिन अब कुछ चीजें और भी हैं जो धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। जैसे कुछ लोग आरडीजे को लेकर फील गुड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरडीजे एज ए डॉक्टर डूम के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर एमसीयू के सागा को समझे तो विलन को धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता है जिसमें कई सारी मूवीज और सीरीज होती है। जैसा हमने इन्फिनिटी सागा में देखा, थैनोस को 2012 से बिल्डअप किया जा रहा था और फाइनली हमें 2018 में उसका एंड होता हुआ दिखा। वैसे अब जो मल्टीवर्सल सागा चल रहा है जहाँ कैंग द कॉन्करर को हमें सीजन 1 से इंट्रोड्यूस कर दिया था, फेस 4 पूरा कैंग से रिलेट था और फाइनल शोडाउन हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलता, लेकिन अचानक से कैंग से डॉक्टर डूम पर आ जाना ये कुछ फैंस को हजम नहीं हो रहा। अब इतने शॉर्ट नोटिस पर आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में दिखाना जहां केवल अब 2 ही साल रह गए हैं, इस डॉक्टर डूम का बिल्डअप कैसे होगा? आरडीजे की छवि जो एक हीरोइक है एमसीयू में, वो कैसे एक मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन में बदल जाएगा? डॉक्टर डूम जिसने कॉमिक्स में मल्टीवर्स को खत्म किया है, अपने लिए एक अल्टरनेट अर्थ को बनाया है, दूसरों की बीवियों पर कब्जा किया है और थैनोस जैसे मैड टाइटन को अपने सामने टिकने नहीं दिया और सबसे बड़ी बात बियॉन्डर को हराया है, तो इतनी ईविलनेस कैसे एमसीयू आरडीजे वाले डॉक्टर डूम की प्रेजेंस में दिखाएगा? याद करो इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस थॉर की शिप में दूर खड़ा हुआ था, तब इसे देखकर सच में फट रही थी और अब तक उसने कोई एक डायलॉग भी नहीं बोला था। और फिर जो टाइटन में घमासान हुआ वहाँ उसकी दहशत और भी बढ़ गई और ये सब प्रेजेंस बना है उसके बिल्डअप से। ऐसा ही और इससे लाख गुना ज्यादा इम्पैक्ट हमें डॉक्टर डूम में देखना है और सिर्फ 2 साल रह गए हैं और ये कैसे पॉसिबल होगा? वहीं दूसरी तरफ बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो कुछ दिनों पहले मार्वल से ये रूमर आ रहे थे कि हमें आने वाली अवेंजर्स में 6 कैंग देखने को मिलेंगे और इन कैंग्स के वेरिएंट को अलग अलग एक्टर प्ले करेंगे और इनमें से एक रहेगा प्राइम कैंग और ये सभी कैंग के वेरिएंट्स आगे मूवीज और सीरीज में भी दिखेंगे और प्राइम कैंग को अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जाएगा। टीवी हमेशा से कैंग से रिलेट करता है और लोकी सीजन 2 के एंड में भी ह्यूमंस के वेरिएंट मतलब कैंग के सभी वेरिएंट्स के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है, तो क्या टीवी कैंग के वेरिएंट्स को खत्म करेगा या कैंग टीवी को खत्म कर देगा? और फिर क्या इसके बाद डॉक्टर डूम सामने आएगा?
वहीं दूसरी तरफ अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में बैटल वर्ल्ड भी क्रिएट होना है और अभी तक के लिए बता रहे हैं कि जो हमने वॉइड देखा है वही आगे जाके बैटल वर्ल्ड बनेगा और टीवीए के होते वॉइड को कोई ऐसा यूज करेगा तो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए टीवीए को भी मिटना पड़ेगा। और बात रही डॉक्टर डूम के ओरिजिन की, तो एक व्हाट इफ कॉमिक सीरीज में हमें बताया है कि एक ऐसा अल्टरनेट यूनिवर्स है जहां आयरन मैन डॉक्टर डूम बनता है और इस कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क एक साथ क्लासमेट होते हैं और विक्टर एक तरह का डिवाइस बनाता है जिससे वो अपनी सोल को टोनी स्टार्क की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और वो अपनी सोल के साथ टोनी स्टार्क की लाइफ को जीता है। तो शायद हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाए कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करने में मजा आता है, तो मे बी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम का ओरिजिन हमें फैंटास्टिक फोर में दिखा दिया तो सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक साल और रहेगा डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को और भी गहराई से जानने के लिए। फिलहाल वीडियो अभी लंबी हो रही है और मैं इस टॉपिक पर आपकी मदद लेना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसी थ्योरी है आरडीजे एज ए डॉक्टर डूम से रिलेटेड तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अगली वीडियो का टाइटल होगा रोड टू अवेंजर्स डूम्सडे, जहां हम इसके पहले एपिसोड में डिकोड करेंगे डॉक्टर डूम को और ये जो आयरन मैन वाला वेरिएंट डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलेगा इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो अपने क्वेश्चंस, थ्योरीज और जितना भी सब कुछ है मेरे साथ शेयर कर देना। और अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यही एक छोटा सपोर्ट है आपके पास जो मुझे दे सकते हो और जो मेरे को बचा भी सकता है। तो सुपर हीरो बनो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।